लोग कागज पर पेंटिंग करते हैं, स्केच बनाते हैं, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं जो कागज को तोड़ मरोड़ कर कला रचते हैं, जैसे कि ब्रिटेन की यूलिया ब्रोडस्काया। इस कलाकृति को समझने के लिए इसे गौर से देखना जरूरी है। कागज के सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर ये तस्वीर बनी है। रंगों और कागज के आकारों का मिला जुला असर है जो तस्वीर को गहराई देता है। इस कला को तैयार किया है यूलिया ब्रोडस्काया ने। पिछले एक दशक से वे कागज के इस्तेमाल से 3D तस्वीरें बना रही हैं। कागज कमाल की चीज है, वो लचीला होता है। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप कागज से कर सकते हैं। आप उसे मोड़ सकते हैं, आप उसे काट सकते हैं, जो आप चाहे वो कर सकते हैं। मुझे इसे इस्तेमाल करना बहुत पसंद है। कागज से 3D तस्वीरें बनाने का आइडिया यूलिया को तब आया जब वो अपने सिग्नेचर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही थी। वो जो ग्राफिक डिजाइन कर रही थी वो और पेचीदा होता गया। यूलिया हैं तो रूस की, लेकिन उनका स्टूडियो यहाँ लंदन में है। यहाँ वो क्विलिंग तकनीक का इस्तेमाल कर कलाकृतियाँ तैयार करती हैं। इसमें कागज की पट्टियों का इस्तेमाल होता है। इन्हें कहीं काटा जाता है तो कहीं घुमाया जाता है और अंत में इन्हें चिपका दिया जाता है। ये काफी मेहनत का काम है जिसमें छोटी मोटी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। इस तकनीक में या यूं कहें कागज के साथ काम करने में सबसे बड़ी चुनौती वक्त की होती है। इसमें बहुत वक्त लगता है। ये बहुत मेहनत का काम है। एक छोटे से आर्ट पीस को बनाने में ही कई दिन या हफ्ते लग जाते हैं, क्योंकि बहुत सी बारीकियों पर ध्यान देना होता है। इसलिए मुझे बहुत धीरज रखना पड़ता है। यूलिया को पौधों वाले मोटिव इस्तेमाल करना काफी पसंद है। हर आर्ट पीस की शुरुआत एक स्केच से होती है। इसके बाद बारीकी वाला काम शुरू होता है। पहले वो कागज को सही आकार में काटती हैं और उसके बाद उसे मोड़कर आकार देती हैं। अपनी इस अनोखी कला को वो इंस्टाग्राम पर भी दिखाती हैं।